Good morning to all of you. Welcome in my YouTube channel Science for Genius. Today we study chapter Fiber to Fabric. It is the chapter of class 7th. हम लोगों ने इस chapter में ऊल का जो portion था वो study कर ली थी. आज हम लोग silk के बारे में study करेंगे. It is an animal fiber obtained from silk moth. It is the soft and lustrous. आफ्टर चाइना इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क. ये सिल्क के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी. देखिए इसका नाम है सिल्क, ठीक है. और ये जो सिल्क है इसका जो प्रोडक्शन होता है वो सिल्क मॉथ एक एनिमल है. सिल्क मॉथ एनिमल से इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है. सिल्क मॉथ क्या है, एक तरह का ये इंसेक्ट है. अगर हम इसको बोले तो एक तरह का ये इंसेक्ट है. और इस इंसेक्ट से ये जो इंसेक्ट है इसी से सिल्क का फॉर्मेशन होता. अब इसकी फॉर्मेशन की डिफरेंट प्रोसेस है तो इसकी लाइफ साइकिल होगी. इसी लाइफ साइकिल में बीच में एक प्रोसेस आती है, उसी प्रोसेस के थ्रू हम सिल्क को निकालते हैं. और उसे निकालने की क्या प्रोसेस होती है उसी पूरी प्रोसेस को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, कुछ हम आपको ओरल बताएंगे. देखिए सिल्क मॉथ, देखिए इसमें हमने इसीलिए मेल और फीमेल दो किए हैं. तो सिल्क मॉथ जो मेल है ये तो एग देगा नहीं, तो एग देने का काम करेगा सिल्क मॉथ फीमेल. ये क्या करती हैं कि 300 to 400, एक सिल्क मॉथ 300 to 400 इंक के डॉट जैसे एग जो है वो लीप्स पे देती है. जैसे इनकी जो लीप्स होती है मलबेरी लीप्स है, तूर लीप्स है, तो जिस प्लांट पे ये ग्रो करते हैं उसी प्लांट के अकॉर्डिंग ही इनका नेम रखा जाता है. इनका नेमनक्लेचर जो होता है कि किस तरह का सिल्क बनेगा वो डिपेंड करता है कि ये जो सिल्क वार्म है ये किस तरह के प्लांट पे ग्रो कर रहा है, किस तरह के प्लांट के ऊपर ये रह रहा है और किस तरह के प्लांट्स की लीव्स को ये खा रहा है. तो 300 to 400 इंक डॉट लाइक एग ऑन द लीव्स, ये लीव्स के ऊपर एग जैसे डिजाइन बनाता है. उसके बाद फिर क्या करता है, जैसे ये एग तो बन गया, ठीक है, फिर एग के बाद का आएगा कि लार्वा स्टेज आता है. एग बनता है और एग के बाद ये बनता है लार्वा, ठीक है. ये लार्वल स्टेज से जो इसकी लार्वल स्टेज है, इसकी लार्वल स्टेज और कैटरपिलर दो स्टेजेस होती हैं. लार्वा उसके बाद फिर बनता है कैटरपिलर, हैच होता है, हैच होकर कैटरपिलर बनता है. इस कैटरपिलर बनने में 4 times इसकी मोल्टिंग होती, 4 times मोल्टिंग. अच्छा अब ये मोल्टिंग क्या है, मोल्टिंग का मतलब होता है इसमें चेंजमेंट आना इसकी बॉडी में से, 4 times इसकी बॉडी से. जैसे आपने देखा होगा कि सर्प जो है, जो स्नेक होता है उसकी केचुल होती है, तो अपनी बॉडी के ऊपर से वो क्या करता है, केचुल छोड़ता है. वैसे ही क्या होता है कि ये लार्वा है, लार्वा से ये जो कैटरपिलर की स्टेज है इस स्टेज तक जाने के लिए इसकी बॉडी में 4 times मोल्टिंग है, 4 times मोल्टिंग होती है. मोल्टिंग का मतलब अगर आप जनरल टर्म में समझे तो वही समझ लीजिए जैसे स्नेक जो है केचुल छोड़ता है, वैसे ही ये 4 times अपनी बॉडी के ऊपर से जो सेल्स होती हैं, अपनी बॉडी के जो आउटर कवर होती हैं उसको निकालता है, ठीक है. और फिर इसी स्टेज को बोलते हैं, लार्वा है तो इसकी स्टेज को बोलते हैं लार्वल स्टेज. और ये जो स्टेज होती है, ये जो लार्वा से कैटरपिलर बनने की स्टेज होती है, ये कंप्लीट होती है 27 days में. इसको कंप्लीट करने के लिए इसको लगता है 27 days, ठीक है. तो ये आपका बन गया लार्वा, ठीक है. लार्वा के बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये लीव्स को खाता है, कैटरपिलर बन गया, कैटरपिलर पे ये खूब ढेर सारी लीव्स को खाता है और अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है. इसकी बॉडी ग्रो हो जाती है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ब्रेथ बढ़ जाती है, मतलब तंदुरुस्त हो जाता, मोटा तगड़ा बन जाता. उसके बाद फिर यहां से आती है प्यूपा की स्टेज. लार्वा के बाद प्यूपा की स्टेज आती. अब प्यूपा की स्टेज कैसे बनती, देखो जब ये लार्वा की लार्वल स्टेज में अपने होता है, तो जब ये पूरा ठीक ठाक इसकी बॉडी हो गई, तो उसके बाद होता क्या है कि इसके हेड के पास दो होल होते हैं. इसके हेड के ऊपर, जैसे मान लीजिए इसका हेड है, इसका ये हेड है, तो यहाँ पर 2 dots बन जाते हैं, 2 dots जैसे होल बनते हैं, ठीक है. ये हमने मान लिया एक सर्कुलर आपका कैटरपिलर बना दिया, ठीक, ये 2 holes हो जाते हैं. और ये क्या करता है कि अपने सिर को ऐसे ऐसे रोटेट कराता रहता है. जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारी जो आईज हैं ये होल हैं दोनों, तो इस तरह से ऐसे इसका सिर, ये हमारी आईज है, इसके होल यहाँ पे होता है, तो क्या करता है अपने सिर को ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता रहता है, गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाता रहता है.
तो होता क्या है कि इससे सिक्रीशन होता है, एक सिक्रीशन होता है, और ये दोनों है तो इसका सिक्रीशन, इसके चारों तरफ ऐसे एक लेयर बनती जाती है, और ये लेयर धीरे 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 करके ये पूरी बॉडी पे ऐसे गोल बन जाती, चारों तरफ से इसको क्या करती है, ये कवर कर देती है, पूरी इसकी बॉडी दिखाई नहीं देती, और इसकी बॉडी पे इस तरह से पूरी एक थ्रेड की कवरिंग बन जाती है, और वो पूरी जो थ्रेड होती है, दो थ्रेड होते हैं, उन्हीं पूरे थ्रेड से इसकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है। जब ये पूरी बॉडी इसकी कवर हो जाती है, इसी स्टेज को, पूरी कवर्ड स्टेज बॉडी को, इसी को बोलते हैं प्यूपा, इसी को बोलते हैं प्यूपा। और ये जो प्यूपा है, इसके ऊपर जो वो थ्रेड, ये जो आप पहले तो देखो, आप देखो जैसे हम लोगों के आपके माउथ में से स्लाइवा निकलता है, तो ये जो निकल रहा होता है ये स्लाइवा की लेयर बनती है। जैसे मकड़ी अपने जाले कैसे बनाती है, स्पाइडर अपने जाले कैसे बनाती है, स्लाइवा से ही बनाती है। तो उसी तरह से ये भी क्या करता है, स्लाइवा को अपने चारों तरफ कोटिंग करता है। उसके बाद जब वो एयर की कॉन्टैक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है, तो एक खोल जैसी बन जाती, कवर जैसी बन जाती है, ठीक है, कवर जैसी बन जाएगी। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं कुकून, इसी स्टेज को बोलते हैं कुकून, ठीक। अब ये आपका बनके तैयार हो गया प्यूपा, ये बनके तैयार हो गया प्यूपा, या इसी को बोलते हैं हम लोग कुकून, ये हो गई आपकी कुकून की स्टेज। अगर अगर इसी प्यूपा को, जैसे ये कुकून था, इसके ऊपर लेयर बनी थी, और इसी स्टेज पे अगर हम इसको नहीं निकाल लेंगे, सिल्क को नहीं निकाल लेंगे, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो लेयर है वो लेयर इसकी पूरी एक और एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये इसके थ्रेड ऐसे कट जाते हैं, ठीक, इसके थ्रेड जो होते हैं वो कट जाते हैं, और इसके अंदर से मेल और फीमेल दो सिल्क माथ, दो मॉथ जो है वो निकलते हैं, और फिर से जो सिल्क मॉथ है अपनी लाइफ साइकिल में चली जाती। तो ये हमने आपको बताया कि सिल्क मॉथ जो है उसकी लाइफ साइकिल कैसे 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 किस स्टेज पे जा करके ये क्लियर होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ। तो ये आपकी हो गई प्यूपा की कंडीशन। इसी कंडीशन पे, ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन पे हमें सिल्क मिलता है। अब हम लोग जल्दी देखते हैं कि प्यूपा और ये जो कुकून है, इससे हमें सिल्क कैसे मिलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं सेरीकल्चर के बारे में, कि सेरीकल्चर क्या है। देखिए, रेयरिंग ऑफ द सिल्क वार्म टू मेक सिल्क, इस प्रोसेस को रेयरिंग सेरीकल्चर बोलते हैं। जब हम सिल्क वार्म को, जैसे सिल्क वार्म को ग्रो करता है, जैसे हम लोग दूध के लिए गाय है, भैंस है, इन सबको पालते हैं, और सामान बोझा ढोने के लिए हाथी है, और आपका ये डंकी है, इन सबको रखते हैं, उसी तरह से अगर हमें सिल्क चाहिए होगा, तो जो सिल्क वार्म की रेयरिंग है, जो सिल्क वार्म को हम लोग पालते हैं, इसी को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम लोगों ने कुकून तक पढ़ लिया, ठीक है, अब कुकून के बाद की प्रोसेस क्या होती है वो पढ़ते हैं। देखिए, कुकून तो हमें मिल गया, हमने क्या किया, कुकून को निकाल लिया, ठीक, कुकून की स्टेज को ले आते हैं, और उसको पुट इनटू द हॉट वाटर, बड़े बड़े भगोने जैसे होते हैं, और उसमें इसको क्या करते हैं कि हॉट वाटर होता है, और उसमें इसको डाल देते हैं। डालने पे होता क्या है कि जो प्यूपी है, ये देखो, जो कुकून के अंदर जो एनिमल होता है उसको प्यूपी बोलते हैं। प्यूपी मतलब हो गया प्लूरल फॉर्म, अब प्यूपा का मतलब हो गया सिंगुलर फॉर्म। टू किल द प्यूपी, इस प्यूपी को मारने के लिए, वो मर जाता है, जब एनिमल डेड हो जाएगा तो काटेगा नहीं, नहीं तो वो काटने लगेगा या निकलेगा नहीं, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और उसके बाद ये क्या होता है, उसमें जो चारों तरफ लिपटे हुए फिलामेंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। जब वो लूज हो जाते हैं तो उनको निकालना आसान हो जाता है, और जब ये फिलामेंट लूज हो जाएंगे तो इसको निकालते हैं, फिलामेंट को रिलीज करते हैं, और इस फिलामेंट को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं रीलिंग आर फिलेटोर, ठीक है। ये जो उसके तरफ चारों लिपटा हुआ थ्रेड है, जो फिलामेंट है, उसको निकालेंगे, फिलामेंट निकालने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं रीलिंग एंड द फिलेटोर। उसके बाद 4 to 5 फिलामेंट, ये जो फिलामेंट निकले, 4 से लेकर के 8 फिलामेंट, 4 to 8 फिलामेंट को एक साथ रखते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रेन। तो ये आपकी बन जाएगी सिंगल स्ट्रेन। सिंगल स्ट्रेन के बाद क्या होता है कि बहुत सारी सिंगल स्ट्रेन को लेकर के बनाते हैं एक सिल्क यार्न, एक सिल्क यार्न बना। अब आपको दिखता है, जैसे आपने देखा होगा साड़ियों में, बहुत ध्यान से देखो तो इस तरह से थ्रेड बने हुए होते हैं, बहुत पतले पतले से इस तरह से थ्रेड बने होते हैं। ये जो थ्रेड है, ये जो सिंगल थ्रेड बने हैं, इन्हीं को बोलेंगे सिल्क यार्न, इसी को बोलते हैं सिल्क यार्न। और ये जो सिल्क यार्न है, अब इसकी जो बुनाई हो जाएगी, इसकी स्पिनिंग हो जाएगी, आगे की जो प्रोसेस है, उसके बाद बन जाता है सिल्क फैब्रिक, इसको बोलते हैं, उसके बाद ये बनके तैयार हो जाता है आपका
सिल्क फैब्रिक। तो इस तरह से कुकून से हमें सिल्क फैब्रिक का प्रोडक्शन होता है, कुकून से लेकर के सिल्क प्रोडक्शन की ये आपकी प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस होती है। अब इसमें हम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से, या यहाँ तक सिल्क फैब्रिक तो बन गया, सिल्क की जो सिल्क के जो अलग अलग कलर हैं वो हैं, जो सिल्क की डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज वेराइटीज़ हैं वो कैसी हैं, और कौन कौन से सिल्क के इंसेक्ट होते हैं जिनको हम लोग जो है रेयरिंग में यूज में ले आते हैं, और सिल्क की प्रॉपर्टी क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ नेचुरल सिल्क के नेम और उनके इंसेक्ट्स के नेम। फर्स्ट आपका है मलबरी सिल्क। जो हमारा मलबरी सिल्क मिलता है ये आपका जितने भी टाइप के सिल्क होते हैं उनमें से 90% जो पार्ट है, 90% पार्ट वो मलबरी सिल्क होता है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये जिस प्लांट पे ग्रो करता है उस प्लांट को बोलते हैं मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं सहतूत का पेड़। आपने तूत देखा, कहीं कहीं तूत बोला जाता है, कहीं सहतूत बोला जाता है। उसी के जो लीव्स होती है उसी के लीव्स पे ये रहता है और वहीं ग्रो करता है। इसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोरी एल। इसका बोटैनिकल नेम है। और कुछ और टाइप के हैं, जैसे आपका इरी सिल्क है, तसार सिल्क है, मूंगा सिल्क है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पाए जाते हैं। जैसे ये मूंगा सिल्क है तो ये रेड कलर का होता है, इसी तरह से तसार सिल्क है और आपका इरी सिल्क है। ये इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के प्लांट पे ग्रो करता है, इसी के आधार पर इसका जो नेम है वो रखा गया है। नेक्स्ट आपका आया प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज ऑफ द सिल्क। सिल्क की प्रॉपर्टी और क्वालिटी, देखिए जो पहली प्रॉपर्टी है इसका अपीयरेंस है। इसका अपीयरेंस, ये दिखता कैसे, जैसे ये स्मूथ है, सॉफ्ट होता है, ये स्मूथ होता है, स्मूथ एंड लस्ट्रस, और ये लस्ट्रस मतलब होता है चमकदार होता है, स्ट्रेंथ इसमें अच्छी होती है। फिर आपकी स्ट्रेंथ आया, देखिए जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर वो होता है सिल्क, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ होती है, मतलब होल्ड कर सकता है ये, इसका जो थ्रेड होता है। फिर आपका आता है एब्जॉर्बेंसी, तो ये एब्जॉर्बेंसी भी इसमें अच्छी होती है। इट एब्जॉर्ब स्वेट, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये पसीना सोखने में बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इसको जो है लोग गर्मियों में यूज करते हैं कि स्वेटिंग वगैरह होती है तो ये क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आपका आता है इलास्टिसिटी। हाँ, ये इलास्टिक भी होता, बहुत ज़्यादा तो इलास्टिक नहीं, रबर जैसा इलास्टिसिटी नहीं होती है, बट इन कंपेरिजन टू द कॉटन इट इज़ मोर इलास्टिक देन द कॉटन। ये कंपेरिजन में, कॉटन की कंपेरिजन में इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो अच्छी होती है, इसकी इलास्टिसिटी जो है वो गुड इलास्टिसिटी होती। फिर आपका आया हीट कंडक्टर, तो ये क्या होता है बैड कंडक्टर, ये होता है आपका बैड कंडक्टर होने के नाते इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये बैड कंडक्टर होता है इसलिए इसको विंटर सीजन में यूज किया जा सकता है। विंटर सीजन में पहनने से क्या होता है, बॉडी में वार्म बनी रहती है, ये क्या करता है हीट, बैड कंडक्टर है मतलब इंसुलेटर है, तो हीट से जो बॉडी से जो हीट जनरेट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और जिस एरिया में ये इसको पहना जाता है उस एरिया को ये कवर करके रखता है, तो मतलब ये नॉन कंडक्टर ऑफ द हीट है। तो ये आपकी जो सिल्क है उसकी ये प्रॉपर्टीज थी, सिल्क की ये हमने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज ऑफ द सिल्क, ये 5 नंबर में आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव पॉइंट इस तरह से लिख सकते। और इसमें फिर आप लाइन कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं कि इट इज़ सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्ट्रस। तो जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में लिखिए तो हमेशा इसके आगे जो लिखा, जैसे हमने तो ये आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म में लर्न रखने के लिए, जब भी आप इसको एग्जाम में लिखिए तो इसको सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखिए तो मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलते हैं, ठीक है। ये इलास्टिसिटी हो गई और ये इस तरह से इसकी क्वालिटीज होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो है सेरीकल्चर है, वो जो सेरीकल्चर करता है या जो उसमें वर्क करते हैं उन ह्यूमन बीइंग्स पे ये जो सेरीकल्चर है इसका बैड इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। सेरीकल्चर, देखिए जो लोग सेरीकल्चर करते हैं उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यूरिंग रेयरिंग। रेयरिंग के दौरान इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन, एलर्जी और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है। तो पहला इसमें लिखा हुआ प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, स्टैंडिंग फ्रॉम द 10 to 16 आवर्स, इसमें जैसे
जो प्रोसेस पीछे आई थी, रीलिंग की प्रोसेस है, और इसमें आपको हॉट वाटर में मिला करके इसकी जो बॉइलिंग की प्रोसेस होती, इन सब प्रोसेस के लिए 12 से 16 घंटा तक खड़े रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही शार्प वर्क है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है। तो इसमें क्या होता है कि बैक बोन में और नी वगैरह में, नी में पेन होने लगता है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम इसमें आने लगती हैं। और इसमें क्योंकि ये रीलिंग का काम होता है, बहुत पतले पतले फिलामेंट्स होते हैं, उनको निकालना होता है, तो बहुत ध्यान से देख के करना होता है, तो आई जो होती हैं वो भी बहुत जल्दी से इसमें ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें जो है वो आई से रिलेटेड भी हेल्थ इशू क्रिएट होता है। उसके बाद आता है वेरियस केमिकल यूज इन द डिसग्रीजिंग, डिसइंफेक्टिंग और कलरिंग वगैरह के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं, और उन केमिकल्स की जो स्मेल होती है वो हमारे लंग्स में जाती है और स्किन वगैरह पे लगती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज, स्किन डिजीज और लंग्स डिजीज होने के चांसेस होते हैं। फिर आपका नॉइज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो कि वहाँ पे रीलिंग है और उसकी स्पिनिंग करनी है और डिफरेंट प्रोसेस के लिए मशीन चलती रहती हैं और बहुत सारी नॉइज रहती है, तो इससे हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है, एक हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, और हियरिंग की भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होने लगती हैं। तो ये हेल्थ इशू था सेरीकल्चर इंडस्ट्री में, हेल्थ इशू था सेरीकल्चर इंडस्ट्री में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो फाइबर टू फैब्रिक पार्ट था, सेरिकल जो सिल्क का पार्ट था, वो पार्ट की हम लोगों ने आज स्टडी कर ली। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये जो है वो फिनिश होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके जो है उसका जो सोल्यूशन है हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।